कोरोना के बढ़ते कहर ने अब यूपी की जेल को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फरुखाबाद जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। जेल में कोरोना से संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले दो दिनों में ही 100 से ज्यादा कैदी कोरोना संक्रमित निकले हैं। एक फिर जेल में कुल 76 लोग कोरोना संक्रमित निकले, जबकि शुक्रवार को भी 27 कैदी संक्रमित मिले थे। अब तक जेल में 200 कैदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जेल में बढ़ रहे कोरोना ने जेल प्रशासन की मुसीबतें बढ़ा दी है। बता दें कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में 2200 से ज्यादा कैदी बंद है। ये जेल की क्षमता से दुगना है। इसकी वजह से कैदियों के बीच संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। देखिए, सेंट्रल जेल में एक तरफ से सभी कैदियों का सैंपलिंग कराई जा रही है। उसमें अब तक 76 लोग ऐसे पाए गए जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके लिए एक बैरक को रिजर्व कर दिया गया, उसको L1 हॉस्पिटल डिक्लेयर करते हुए वहाँ पर जो L1 हॉस्पिटल जो व्यवस्थाएँ होती हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ, डॉक्टर की व्यवस्था, फार्मासिस्ट की व्यवस्था और दवाई इत्यादि की व्यवस्था कर दी गई है। सभी मरीज स्वस्थ हैं और किसी को भी L2 में भेजने वाली स्थिति नहीं है। यदि कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उनको L2 में भेजा जाएगा। फिलहाल वहीं पर L1 में ही रखते हुए इलाज किया जा रहा है। सर, आज की रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ोतरी होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। इसको लेकर लगातार कैदियों की कोरोना की जांच की जा रही है। जेल प्रशासन इसलिए भी परेशान है कि क्षमता से दुगने कैदी होने की वजह से जेल बैरक में जगह नहीं है। संक्रमित मरीजों को रखना, उनकी भोजन व्यवस्था, उनकी जांच कराना जेल प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।